तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले हैं एवरेज स्पीड। तो अब देखो, ये जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो स्पीड क्या था, कितना डिस्टेंस कवर्ड। देखो, एवरेज जो स्पीड होता है, ये हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते रहते हैं कंटिन्यूअस। हम जो भी स्पीड बोलते हैं ना, 30 किलोमीटर पर आवर, वो सारे एवरेज स्पीड होते हैं। अब इसको समझो कि होता क्या है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। एवरेज स्पीड होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस। जैसे स्पीड क्या था हमारा, दैट इज चेंज इन पोजिशन, उसी तरह इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम इंटरवल। अब देखो, पोजिशन का चेंज से तुम क्या निकाल रहे थे, डिस्टेंस ही तो निकाल रहे थे बैठ के ना। अब देखो, इसको समझो एक बार। अब देखो, तुम्हारे पास इसका दो केसेस। पहले मैं एक केस बता देता हूँ। ये तुम्हारे पास कुछ एक केस है, ये तुम यहाँ पे हो ए पोजीशन में, तुमने बी पोजीशन कवर अप किया, तुमने फिर सी पोजीशन भी कवर अप किया, डन। तो तुमने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे पोजीशन ज़ीरो था, टाइम भी ज़ीरो था, फिर तुमने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, से यहाँ हो चुका है 40 मीटर, तुम्हें टाइम लगा सम सॉर्ट ऑफ 2 सेकेंड्स, डन। फिर 40 से यहाँ तक कवर कर लिया, से 60 मीटर तक टाइम लगा 5 सेकेंड। अब अगर मैं यहाँ तुमसे पूछूँ एवरेज स्पीड कितना है, बताओ, तो तुम क्या बताओगे, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 60। यहाँ अगर मैं लिखूँ ना एवरेज स्पीड तो कैसे लिख दोगे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक गए ना, आया बात समझ में, यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ आपका, 60 हुआ ना। 40 प्लस नहीं करना, 40 बीच में था, डन, 60 हुआ, डन। या फिर आपको ऐसे ही बताना है, तो यहाँ देखो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो 0 से 40 तक गए, कितना ट्रैवल करे, 40 मीटर ट्रैवल करे, फिर 40 से 60 तक गए, यहाँ पे कितना मीटर ट्रैवल कर लिया आपने, 20 मीटर ट्रैवल किया आपने। तो अगर आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, मैंने टोटल 40 प्लस 20 इतना डिस्टेंस कवर किया, मुझे टाइम कितना लगा, 0 से 2 सेकेंड्स, यहाँ पे टाइम कितना लगा आपको, यहाँ पे आपको टाइम लगा 0 से 2 सेकेंड्स, मतलब दैट इज़ 2 माइनस 0, कुल मिला कितना आ जाएगा, आपको इतना कवर करने में 2 सेकेंड्स लगा, यहाँ से यहाँ कवर करने में आपको कितना टाइम लगा, दैट इज़ 5 माइनस 2, आया बस समझ में, 3 सेकेंड्स। तो आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया 40 प्लस 20, टाइम कितना लगा मुझे, 2 प्लस 3। ये बातें क्लियर है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो 40 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 60 अपॉन 5, तो काटोगे 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपका एवरेज स्पीड था। यही चीज़ को अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड में लिखना है, तो लेट्स से ये आपका पहला डिस्टेंस है, इसको X1 मानते हैं, X2 मान लेते हैं, इस टाइम को T1 मान लेते हैं, इस टाइम को T2 मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड दैट इज़ टोटल डिस्टेंस, चेंज इन पोजिशन की वजह से तो डिस्टेंस आता है ना। इसको मैंने यहाँ पे 40 कैसे निकाला था, बताओ, 40 कैसे निकाला था इसको, 40 माइनस 0 करके निकाला था ना, तो चेंज इन पोजिशन ही वो। यहाँ पे मैंने 20 कैसे निकाला था, 60 माइनस 40 करके निकाला था, चेंज इन पोजिशन ही है वो, ठीक है। तो पिछला डेफिनेशन से कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो चेंज इन पोजिशन ही है, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम इंटरवल। डिस्टेंस कवर्ड कैसे होता है, पोजिशन के चेंज से ही होता है ना। तो एवरेज स्पीड कितना कहलाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको X1 X2 इस तरह लिख दूं, दैट इज़ X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2। ये आपके पास हो गया एक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। यहाँ पे एवरेज स्पीड का एक और केस हो सकता है, कि उस केस में आपको स्पीड दे दिया जाए, डन। ये तो पोजीशन के केस में हो गया था, अब आपको स्पीड दे दिया जाए। फिर से इस चीज़ को समझो एक बार। ये मैंने लिया कुछ ए पोजीशन, ए हमारा बी और ए हमारा सी। आप चाहे तो यहाँ पे 3 4 भी रख सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर यहाँ पे लिख देते, चलो इस तरह कर करके बहुत सारे पोजीशन आपके हो सकते हैं, एक्स एन तक हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह आगे भी आप कोई कोई डिस्टेंस कवर कर रहे होगे, और टाइम भी कितना, टी एन तक भी हो सकता है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला एक और लिख लेते हैं एवरेज स्पीड का, थोड़ा बहुत डेडली फॉर्म में, दैट इज़ इस तरह आप जितने भी चाहे तो उतने डिस्टेंस कवर कर सकते हो, कहाँ तक, एन नंबर तक, जब तक आपका मन ना भरे, दैट इज़ 100 200 300 डिस्टेंस, आप जितना भी चाहे तो कवर कर सकते हो। और उसमें टाइम कितना आएगा उनको मेजर करते जाओ आप,
करके सबको सम अप कर लेना, तो आपको ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है आपका एवरेज स्पीड का। तो मैंने दिखाया था इसको दो केसेस के लिए यहाँ पे, और एन अगर एन नंबर ऑफ इंटरवल्स है इस तरह, एन नंबर ऑफ डिस्टेंस अगर आपने कवर किया है, तो ए हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं दूसरा केस में, ए पे हूँ, बी जाऊँगा, सी जाऊँगा। अब देखो पोजिशन यहाँ पर नहीं दिया है, मैंने बताया ए से लेके बी तक मेरा स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने ए से लेके बी तक, मान लो दिल्ली से आगरा, मेरा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, मैंने इसको कवर किया 2 सेकेंड्स में, इतने स्पीड था मेरा। मतलब मैं दिल्ली से आगरा पहुंचा, स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड, मुझे लगा 2 सेकेंड इसे कवर करने में। फिर आगरा से आगरा कांट, आगरा से आगरा कांट मुझे जाने में लगा 3 सेकेंड्स। डन, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा मुझे 3 सेकेंड्स, बी से सी तक जाने में मुझे लगा 3 सेकेंड, और मेरा यहाँ पे स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने पूछा, अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या है, तो आप बोलोगे ठीक है एवरेज स्पीड बता देंगे। एवरेज स्पीड ये क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो मुझे पता है यहाँ पे, दैट इज़ 2 + 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज़ द क्वेश्चन, कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर हुआ। अभी देखो अगर मैं पर सेकेंड 20 मीटर कवर कर रहा हूँ, तो 2 सेकेंड में कितना करूँगा, दैट इज़ पर सेकेंड अगर मैं 20 कर रहा हूँ, तो 2 सेकेंड में 20 + 20 40 कर लूँगा। या फिर इसको सिंपली क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 20 × 2 तब भी तो 40 आता है ना, दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सॉरी 40 मीटर आ जाएगा। अगर मैं पर सेकेंड 20 मीटर कवर करता हूँ, तो 2 सेकेंड में कितना 40 मीटर कर लूँगा। यहाँ पे देखो मैं पर सेकेंड 50 मीटर कवर कर रहा हूँ, 50 मीटर पर सेकेंड ये मेरा स्पीड है, तो मैं 3 सेकेंड में कितना कर लूँगा, दैट इज़ 50 × 3। यहाँ तक बात है क्लियर है, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितना कहलाएगा, 40 मीटर + 150 मीटर। डन है, उसके बाद उसको सॉल्व आउट कर लेंगे, यह आ जाएगा 190/5, डिवाइड कर लेंगे 3 × 5 = 15, 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बातें क्लियर है। अभी अगर मैं इस चीज़ को कुछ ऐसे रिप्लेस कर दूँ, मैं अगर बोल दूँ 2 सेकेंड की जगह यहाँ पे टाइम है आपका T1, यहाँ पे 3 सेकेंड की जगह टाइम है आपका T2, बातें क्लियर। और यहाँ पे इसके जगह मैं बोल दूँ आपका स्पीड है S1, और इसके जगह मैं बोल दूँ स्पीड है S2, तो अगर इस तरह फॉर्म में दिया है, तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। सेम आपने क्या किया था पहले, S1 × T1 किया था ना, S1 × T1 किया था आपने, इससे आपको क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया था ना। तो पहला डिस्टेंस मिल जाएगा आपको S1 × T1 करके, सेकंड वाले को कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे क्या किया था 50 × 3 किया था, दैट इज़ इस केस में क्या हो जाएगा S2 × T2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T1 + T2, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। सेकेंड केस में अगर आपको स्पीड दिया है, तो अगर पोजिशन दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर स्पीड दिया है तो आप ऐसे निकाल लोगे। और अगर यहाँ पे इन इंटरवल्स हैं, आया समझ में, फॉर इन इंटरवल्स, डन, इस तरह बहुत सारे और भी है, खाली 2 नहीं है, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे हैं, तो तब आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे जैसे किया था वैसे ही, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा S1 T1 + S2 T2, ऐसा कर करके कहाँ तक चलोगे आप, SN TN तक। डन, नीचे T1 + T2 कहाँ तक, TN तक, ये बन जाएगा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तब आई होप आपको आइडिया मिल चुका है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, इसे हम कैलकुलेट क्यों करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको आइडिया मिल चुका है। एवरेज स्पीड भी सेम वही होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम। और मैंने यहाँ पर बताया अभी हम डिस्टेंस को कैसे कवर करते हैं, पोजिशन से कवर करते हैं, मतलब पोजिशन से कैलकुलेट करते हैं ना, दैट इज़ यहाँ पे मैंने 40 मीटर चला था, कैसे पता किया, 40 - 0 बराबर, यहाँ पे मैंने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कैसे पता किया, 60 - 40। यहाँ तक बातें क्लियर है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।